हेलो 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 हाँ जी सर नमस्कार जी नमस्कार जी सर कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी वो टीबी के रिगार्डिंग ना हाँ जी किसके बारे में टीबी के रिगार्डिंग बात हुई थी कि डॉक्टर ने बोला था शायद पॉजिटिव है आपने बोला था पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाओ ठीक हो जाएगी क्या चीज बता रहे टीबी टीबी का टेस्ट मैंने बोला था ना कि डॉक्टर ने वो बाजू पे इंजेक्शन लगाया बोल रहा था पॉजिटिव है टीबी हाँ जी सर अच्छा अच्छा तो मुंह से थोड़ी स्मेल आ रही थी आपने बोला था कि पानी का इंटेक बढ़ाओ ठीक हो जाएगा वो तो मैंने बढ़ाया था उसके कारण ठीक हो गया था अभी ना परसों से मेरे को लेफ्ट नोज बह रही है वॉक एंड रेस्ट तो मैं कर रहा हूँ दिन में 3-4 बार और वाटर इनटेक भी आज मैंने ना वो आपका जो आप रात को अपने साइकिल भेजा उसको फॉलो कर रहा था 3rd डे से और अभी नोज की ना लेफ्ट साइड से जैसे पानी गिरी जा रहा है और गला भी गले में थोड़ी पेन है अच्छा और फीवर आपका फीवर कितना है हल्का सा लग रहा है कोई ज्यादा नहीं लग रहा हल्का सा लग रहा है जैसे ठंड सी महसूस हो रही है तो पानी कितना पी रहे थे आप पानी सर मैं पहले तीन कल और परसों मैंने पिया था जैसे खाने से 1 गिलास पहले और 1 गिलास साथ में और उससे पहले मैंने हाइड्रेशन की थी एक एक घंटे के बाद एक एक गिलास पिया था अच्छा तो अभी ना 2 दिन से मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे रात को नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही और सिर भी भारा भारी सा है पहले आपका पानी का इंटेक कितना चल रहा था पहले सर मैं ऐसे ले रहा था खाने के साथ 1 गिलास और 1 गिलास पहले नहीं नहीं उससे पहले बात करने से पहले मैं सर पिछले 1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ इसको हाइड्रेशन अच्छा डिहाइड्रेशन को हाँ जी अच्छा मुंह में सलाइवा तो बहुत ज्यादा है तो एक दिन पानी बंद करके देख लीजिए बिल्कुल बंद कर दूं सर हाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए तो उसमें एक्चुअली ना आपको कल मैंने थोड़ी सी चाय ली थी कोई सुबह मैंने जैसे पानी लिया पानी पानी के बाद मैंने अपना नाश्ता किया नाश्ते के साथ पानी का गिलास लिया और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय ली वो एकदम मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी पता नहीं वो किस कारण हुई होगी उसके बाद कितनी देर नॉर्मल तो हो गया होगा हाँ नॉर्मल हो गया था सिर्फ जैसे ना एकदम बहुत सारा डर लग गया और 2-3 मिनट बाद दो 3 मिनट के बाद नॉर्मल हो गई थी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं थी कभी पहले थी सर अच्छा अच्छा जी कोई नहीं मेरे ख्याल से इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आपके कफ वगैरह होता ना तो कफ वगैरह निकलने लगता है पर आप कह रहे हो सिर्फ ड्रिप कर रहा है कफ नहीं आ रहा जी जैसे पानी पानी सा निकल रहा है नोज से ना लेफ्ट वो भी लेफ्ट नोज से निकल रहा है राइट नोज से नहीं और समटाइम्स मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे ना कान के पीछे से एक ड्रेन चलती रहती थी और जो मेरे लेफ्ट नोज की जो शायद दिमाग के साथ कनेक्टेड वेन होती है वो जैसे कुछ पाइप को टाइट नहीं कर देते आवाज आती है टप टप ऐसे आवाज आती थी अभी दो जब मैंने हाइड्रेशन की जिस दिन उससे अगले दिन से मेरे को लग रहा था कि मेरा शायद रेशा निकलना शुरू हो जाएगा और वो स्टार्ट भी हो गया वो स्टार्ट हो गया हाँ जी हाँ जी वो सिर्फ पानी 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 निकलता है रेशा नहीं निकल रहा हाँ जी ठीक है आप पानी पूरा बंद कर दीजिए तो आपका कफ अगर अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगा वो 5-7 दिन फिर अच्छे से निकलेगा मेरे को तो सर डाउट हुआ मैंने सोचा ये कोई कोरोना वगैरह का कोई चक्कर ना हो नहीं कोरोना नहीं होता इसमें कफ तो निकलता है पर प्रॉब्लम ये होता है कि कोई रिपोर्ट ना कर दे आपको ओके तो और कल से स्नीजिंग भी बहुत हो रही है छींके बहुत आ रही है वॉक इन रेस्ट थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और डेली 4 आवर के लिए कर रहा हूँ 4 आवर सुबह 1 आवर दोपहर को फिर इवनिंग फिर रात को फिर एक आधा 2 घंटे और बढ़ा दो और खाना बिल्कुल छोड़ दो पानी बिल्कुल छोड़ दो खाना खाते रहो ओके पानी जीरो कर दो तो कफ वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा तो आराम से निकलना शुरू हो जाएगा वो ठीक है तो सर जो सिर भारी है ये भी ठीक हो जाएगा हाँ ये भी ठीक हो जाएगा उसी से ओके सर ठीक सर थैंक यू